महानगर निवासी एक नाबालिग स्कूली छात्रा पिछले कई दिनों से अपने घर से लापता है, जिससे नाबालिग छात्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लापता छात्रा की गुमशुदगी की सूचना सुपेला थाने में दर्ज है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा सब्जी खरीदने घर से गई हुई थी, जिसके बाद से उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका है। संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। छात्रा का मोबाइल भी घर पर ही है। सारे रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद अब छात्रा के परिजन पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। एकमात्र पुलिस पर ही परिजनों का भरोसा बना हुआ है। छात्रा की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। नहीं सर, शक तो किसी के ऊपर नहीं है मुझे, लेकिन 8:30 बजे रात को 19 तारीख को वो घर से निकली थी, फिर वापस लौटी है। आपके आपके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि अब हम लोग को तो जितना कुछ भी हमको प्रूफ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग कहाँ देखे कैसे करके, उन लोग भी बोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपकी बेटी को और कौन से क्लास में पढ़ती थी? 10th क्लास का अभी पेपर दी है, उसका नाम है, स्कूल का नाम है रागिनी यादव, और घर से ऐसी रिया यादव, रिया बोलते थे उसको। कौन से स्कूल में पढ़े? DAV पब्लिक स्कूल हुड़को भिलाई। सर वो कहीं से भी बस मेरे को मिल जाए बस। हरिशंकर यादव हूँ, मैं लड़की का पापा हूँ, मेरी लड़की का नाम रागिनी यादव है। रिया 19 जून रविवार की शाम से घर से 8 बजे से लापता है, जो मार्केट बाजार सामान लेके उसको लौटी है, और उसके बाद उसका कोई अच्छा पता नहीं चल रहा है। किसी तरह का कोई फ़ोन वगैरह आया? इसी तरह का कोई फ़ोन वगैरह मेरे पास अभी तक नहीं आया। मैंने सुबह सारे पुलिस में उसके FIR भी लिखाई है, लेकिन तक कोई सबसे तुरंत जवाब नहीं आ पाया। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, कैसे भी करके मेरी बच्ची मेरे घर वापस आए। बहरहाल छात्रा की बरामदगी को लेकर पुलिस का प्रयास जारी है। देखना होगा पुलिस को इसमें कामयाबी कब तक मिल पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।